अस्सलाम वालेकुम सब बच्चे लोग को आंटी का सलाम। देखो बेटा, मैं लेके बैठी हूँ क्रंच करने। बहुत फालतूगिरी बहुत हो गई है फालतू लोगों के लिए। अभी हम लोग क्रंच करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे भी परेशान हो रहे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता छोटे छोटे बच्चों के सामने गाली दूँ ये दूँ या बुरा भला कुछ बोलूँ, क्योंकि सब देखते ना छोटे बड़े। चलो ठीक है बेटा, जितना सब्र करेंगे ना उतना सामने वाले की कब्र बनेगी इंशाल्लाह। चलो करते हैं क्रंच। क्रंच देख लो, चंग देख लो। और मैं सबको बोल दूँ, मैंने अमेज़ॉन से बॉक्स का ऑर्डर दे दी, इंशाल्लाह आ जाएगा एक दो दिन में। तो मैं सब बच्चे लोग से उनका एड्रेस ले लूँगी, जिन जो जो मुझे मैसेज किए उनका फ़ोन नंबर है तो है ही, एड्रेस लेके एक एक केजी सबको भेज दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी कितना रखूँ ना बेटा, कितने दिन से मैं भी रखी। देखो ये उसी में का है, वो जो बोरी खोली थी ना आप लोग को दिखाने, ये सब नकुमट उसी में का ही है। देखो कलर देखो इसका। एक दो बच्चे ने बच्चे लोग ने मेरे को सेलर का नंबर दिए है, मंगाती हूँ बाद में। यहाँ ना ठंडी बहुत है बॉम्बे में, ठंडी सर्दी खांसी सब हो गई है मुझे। देखो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ये लोग है ना मेरे को वीडियो बनाने नहीं देते। चलो करते हैं क्रंच। मुझे ना नाश्ता करने के बाद ना खाने में बहुत मन करता है। अभी मैं जब से वीडियो बना रही हूँ ना, उसे वीडियो बनाने के टाइम खाती हूँ, पीछे नहीं खा रही मैं। बीच में जब मैं हॉस्पिटल से आई थी मैं बिल्कुल खाना छोड़ दी थी, क्योंकि दीदी ने खर्चा था खाने, वो डॉक्टर लोग ने इंजेक्शन दिए थे ना बहुत सारी, पता नहीं क्या क्या चीज़ की, मन ही नहीं करता था। अभी दिल करता है पर इतना नहीं। बोली ना अभी से वीडियो बनाने के टाइम खाती हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि मैंने जितने सेलर लोग से ली थी ना सब मिला दी, सब मिला के रख दी एक साथ, तो उसने मैं ये नहीं बता सकती ये कौन से सेलर का है वो कौन से सेलर का, क्योंकि चंक्स में मिट्टी पे नाम नहीं लिखा है ना। और क्या बेटा तुम लोग मेरे को कमेंट्स नहीं करते, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। काफ़ी बच्चे लोग ने मेरे को बाप रे मेरे व्हाट्सएप पे इतना मैसेज किए और मैंने सबका रिप्लाई दी सबका। मेरी आदत ये नहीं कि मैं नंबर दूँ और रिप्लाई नहीं दूँ, जिस जिसका देखी व्हाट्सएप सबको रिप्लाई दी। अब प्लीज़ बेटा बच्चों लोग की दुआ ना ऊपर वाला जल्दी सुनते हैं, बच्चे मतलब वही तुम लोग तो बच्चे ही है ना। अब जो बुढ़ा है उनको बुढ़ा ही बोलती हूँ मैं, जो बच्चे हैं उनको बच्चे ही बोलती हूँ। बहुत टेस्टी बहुत मज़ा आ रहा है खाने। गला हो गया बेटा मेरा, इतनी ठंडी भी, और मैं फ्रिज का पानी पीती हूँ ना, बिना ठंडा पानी पिए मेरे को रहा नहीं जाता। पूरा मुंह भर गया।
तो खाना है ना, तो चबाने का टमना प्रॉब्लम होती है। देखो मैं बताती हूँ, खाई थी मैं बहुत सारी तोड़िया मुँह पे। देखो इसको देखो, जंगू वो देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ ना, देखते बैठिए। अभी सुबह का टाइम है, हमारी काम वाली भी आएगी थोड़ी देर में। रोज क्रंच वीडियो डालूंगी बेटा, टेंशन नहीं लेना। सलाम अलैकुम बेटा, सबको सलाम। सच्ची हंसी आ रही मुझे, देख लो तुम्हारी आंटी ऐसी है, ऐसी बाल बना के ऐसी रखती हूँ, बहुत हंसी आ रही मुझे एक चीज पे। क्या बोलूँ, जाने दो अभी, बाद में बोलूंगी। डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी, जल्द से जल्द ये स्टॉक मैं आप लोगों को बांट दूं। अभी मैं नया मंगा लेती हूँ, देखो बेटा तुम्हारी आंटी बुढ़ी हो गई, 45 ईयर्स हो गया मेरा, अभी 5 साल में 50 की हो जाऊंगी मैं। मेरी उम्र मेरे को भी नहीं मानू, बोलो दुनिया को मानो, मैं मेरे को नहीं मानू, दुनिया बहुत याद रख रही मेरी उम्र, मेरे बारे में बहुत जानकारी है। पहले खुद की उम्र बता मिलना लोगों को। मैं बहुत गुस्सा आता बेटा, मैं बहुत नाक पे दिख रहा है मेरे तिल, इस वजह से ना मुझे बहुत गुस्सा आता नाक पे, मेरे गुस्सा बढ़ते थे। इसको देखो खा रही, हट बीमार पड़ेगी। मैं झाड़ू रखी नीचे थोड़ा सा, झाड़ने कचरा हटाने, क्योंकि काम वाली आने वाली अभी, तो कैसे प्लास्टिक की झाड़ू ना खा लेते चबर चबर, फिर उल्टी करते बाद में, गलती से भी ना जानवर नहीं पालना बाबा, वो जानवर का इतना शौक है ना किसी को भी, बाहर बिल्ली कुत्ते लोग को, कबूतर को खाना दे देना, पर घर पर नहीं पालना। मेरे पास ना पेटा पहले 25 थी, 25, और ये सब बच्चे मेरे को रोड पे मिले। देखो टन कैट नहीं, पर्सन कैट सब मैंने अडॉप्शन के लिए दे दी, कोको वो छोटे छोटे थे लोग, ये देखो ये सब पर्सन नहीं है, बच्चे नीचे से रोड पे से कहीं से आ रही थी, जा रही थी, सिर्फ एक ही हो जो वहाँ बैठी है ना शाशा, देखो सिर्फ एक ही पर्सन है, और इसने भी 10 बच्चे दी थी जो मैंने दे दी। अभी ये मेरी बच्ची माशाल्लाह 6 साल की हो गई, शाशा चाचू 6 साल की हो गई मेरी बच्ची, इतना मैं प्यार से पालती हूँ। बहुत जन के बच्चे बचते भी नहीं बेटा, 1 साल में 2 साल में पहुँचा डालते लोग ऊपर, केयर नहीं करते ना बराबर। मेरे को जानवर का बहुत शौक है, जब से मेरी लाइफ की सबसे पहली बिल्ली है शाशा मेरी, जब से उसको मैंने खरीद के लाई थी तो तब से मेरे को कुत्ते बिल्ली सब जानवर से प्यार है।
हमारे इधर ना काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग एरिया में, जैसे कि कोई 70 कुत्ते लोगों को खाना खिला दिया, कोई 60 को, कोई 25 को, कोई 20 को, अपने अपने एरिया में खिलाते। बहुत लोग हैं उधर, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं बाबा। एक बात बोलूँ आप लोगों सबको, ये बात याद रखना, कोई इंसान को मदद करने से अच्छा, किसी इंसान को खिलाने से अच्छा कोई जानवर को खिला देना, कोई जानवर का पेट भर देना, जितनी अपनी हैसियत है उतना। इंसान खा के गाली देता बेटा पीछे से, एहसान फरामोश होता क्योंकि अभी इंसानों की गलती नहीं है, ज़माना ही ऐसे चल रहा है, चीटर ज़माना चल रहा है। उसका अच्छा करने जाओ ना, हमारे साथ ही वो बुरा करता है। समझे? और ये मेरी बात सच है या नहीं है कमेंट्स में ज़रूर बोलना। और प्लीज़ पहले के सब वीडियो इग्नोर करो बच्चे लोग, हमें गाली गलौज की कोई वीडियो डाली ना, अभी से नहीं डालूँगी क्योंकि अभी मेरा मुंह नहीं गंदा करने का। मेरे को सामने वाला जो चीज़ से मेरे पर जल रहा है ना, मेरी क्रंच वीडियो डालने से, अब मैं और उसकी गाड़ी जलाऊँगी क्रंच वीडियो रोज़ डाल डाल के, मोटी बुड्ढी गांड और जलाऊंगी, जल जल के मरने दो, खपने दो। और इतने दिन तो मेरा सदका खाली है, खा खा के मर रहे थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे सेलर लोग के नंबर दिए, मैं बात तो नहीं कर पाई, करूंगी आराम से, पहले ये सब स्टॉक चले जाए, ख़त्म हो जाए, अच्छा अच्छा स्टॉक मंगाऊंगी। बटर गिर तो मैं नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, दांत में चिपकता हुआ। मैं उसको देख रही हूँ, बिल्ली लोग मेरे को वीडियो बनाने नहीं देते। अगर मैं दस स्लाइडिंग में बंद करूँ ना कांच में, बालकनी में, पूरा स्लाइडिंग हिला देते, खोलो बोलते, चिल्लाते, मेरे को ना लेफ्ट साइड से खाने नहीं होता, दांत का प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे जमता ही नहीं, राइट साइड से ही खाती हूँ। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और आप लोग से सबसे सॉरी बेटा, मेरी गाली की वीडियो सुने रहेंगे तो आई एम सॉरी, मैं नहीं देती ज़्यादा गाली, पर हाँ जो गाली के लायक है ना उनको दी मैंने। हम बोलते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर मेरे को बहुत एक बात की बहुत खुशी हुई कल मैंने फिर दोस्त का मैसेज देखी, मुझे लगा वो बच्ची मुझे माफ़ नहीं करेगी, फिर अल्लाह उतनी तो इंसानियत है उसमें, मैंने उसके साथ बहुत बुरा करी बेटा, बहुत बुरा करी एक चुड़ैल की बात सुन के, तेरे बच्चे ने मुझे माफ़ कर दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसको शुक्रिया बोलूँगी, थैंक यू माफ़ करने के लिए, मेरी गलती थी मैं माफ़ी मांगी, अगर मैं गलती रहेंगी तो मैं माफ़ी मांगूंगी ज़रूर, चाहे वो कोई भी हो, तो मेरी जहाँ गलती नहीं है उससे मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूँ, मर जाऊँगी पर नहीं मांगूँगी। देखो बेटा मैंने बहुत खा ली, बहुत 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 बताती हूँ, देखो बहुत ज़्यादा खा ली, अब ये बच्चे हैं, ये तो मैं अपने लिए निकाल ली उस दिन जो तोड़ तोड़ के रखी थी ना आप लोगों को बोली साइड में,
निकाल ली थी। बाबा तोड़ने आता ही नहीं, क्या करूं, 45 की हो गई, मैं दम नहीं मेरे हाथ में, या अल्लाह 45 years old, मेरा हस्बैंड भी 45 के, हम लोग दोनों साथ में पैदा हुए थे, मेरा हस्बैंड और मैं। सच में मेरा हस्बैंड आएंगे नहीं बेटा वीडियो में, क्योंकि ना मेरा हस्बैंड शर्माते नहीं है, पर वो फालतू वीडियो भी नहीं आते, जैसे वीडियो बनाना, ये करना, कुछ भी। यकीन मानो मेरे हस्बैंड को तो गाना गाने भी नहीं आता है, कोई गाना भी रिपीट नहीं कर सकते वो अपने मुंह से, दो अल्फाज भी, बहुत सिंपल है वो। तो यूट्यूब पे आके औरतों से बात करने की तो बात बहुत दूर की है उनके लिए। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए ना तो टिकते नहीं, घर में नहीं रहते, चले आते सीधा उठ के बाहर, ढवे नहीं है ना वो जो औरतों से बात करे। और मेरे हस्बैंड की मैं एक ही वाइफ हुआ, मेरे हस्बैंड किसी को नहीं रखे, रखने की तो दूर की बात, वो किसी को नज़र उठा के भी नहीं देखते, क्योंकि मैंने वो मौका नहीं दी ना, इसलिए वो मेरे साथ अच्छे से रहते, मुझे बहुत प्यार करते, मैं भी उनको बहुत प्यार करती, मेरे बच्चे भी अपने पापा से बहुत प्यार करते, और मेरे हस्बैंड भी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते, बहुत, मतलब एक शौहर में जो जो बात होना चाहिए ना सब है उनमें। बाकी एक आदत उनकी अच्छी नहीं है जो बता नहीं सकती मैं, बोल नहीं सकती, सॉरी, वो पर्सनल है, बाकी सब आदत अच्छी है। और सुन लो सब बच्चे लोग, तुम्हारे अंकल की एक ही आंटी है, यास्मीन आंटी, दूसरे कोई बाहर पटाके नहीं रखे हैं मेरे हस्बैंड ने, ठीक है। देख बेटा मैं बहुत खा रही हूँ, क्रेविंग ख़त्म हो गई मेरी, आप देखते कल या शाम को जब भी मूड होएगा तो बनाऊंगी, अल्लाह हाफिज़। और देखो तुम लोग कमेंट्स करना बंद कर दिए मेरे फालतू मैसेजों में, फालतू लोगों के लिए कमेंट्स करो, तुम लोग अच्छा लगता है। अभी मैं खुद बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब। देख बेटा मैं इतनी छठी भी नहीं हूँ, मुझे आता नहीं बोलने, छठी भी मतलब इतनी होशियार नहीं हूँ मैं, अनपढ़ जाहिल हूँ मैं, 7 तक पढ़ी कौन से ज़्यादा, वो भी उर्दू मीडियम में, और इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। देखो सब्सक्राइबर करो और लाइक्स करो और कमेंट्स करो, शेयर मत करो, शेयर नो शेयर, मेरी वीडियो शेयर नहीं करना, दूसरे सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, सबको मेरी ज़बान गंदी लग रही है, पर मैं क्यों ये सब अल्फाज बोल रही वो कोई नहीं जानता बेटा, वो मैं जानती हूँ, और वो सामने वाला जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ना अल्फाज, वो जानती है, अच्छी तरीके से जानती है वो डी, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।